आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं मन से कह रहा हूँ, अंतर मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ। यो कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, उन्हें अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ, मेरे घर वापसी हो रही है। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसका अपना इतिहास है, त्याग बलिदान समर्पण का इतिहास। और लोकतंत्र, अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा, यही सच है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल से विधायक उनके पुत्र संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस को जैसे संजीवनी मिल गई है। पिता पुत्र की घर वापसी से कांग्रेसी नेता गदगद हैं। इधर दिल्ली में यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, उधर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के चेहरे खिल उठे, क्योंकि विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस को अब तक बीजेपी झटके पे झटका दिए जा रही थी। बीजेपी ने पहले कांग्रेसी विधायक राजकुमार को तोड़ा, फिर निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार और राम सिंह केड़ा को भी बीजेपी में शामिल करा लिया। ऐसे में कांग्रेस में चारों ओर मायूसी सी छाई हुई थी, लेकिन जैसे ही खबर आई कि दलित हृदय सम्राट सूबे के कद्दावर नेता यशपाल आर्य मैं परिवार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो कांग्रेसी नेता झूम उठे। तो आज उन्होंने जो घर वापसी करी है, ये हम कांग्रेस जनों के लिए एक बहुत सुखद पहलू है और निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है और कम से कम 10 सीटों में आज से ही फर्क पड़ जाएगा। अब मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री तो हो लेकिन अपनी सीट बचाने में अगर वो कामयाब हो गए तो ये उनका लकीरें होंगे हाथ की। लेकिन आज कांग्रेस उधम सिंह नगर जिले में एक बहुत बड़ा वृक्ष वापस कांग्रेस में आ गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत मजबूत वहाँ पे हुई है। 1989 में यूपी के दौर में खटीमा सितारगंज से बतौर विधायक पारी की शुरुआत करने वाले यशपाल आर्य दो बार खटीमा, दो बार मुक्तेश्वर और दो बार बाजपुर से विधायक रह चुके हैं। वो उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर की करीब करीब 10 सीटों पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं। इनमें से कई सीटों पर तो चुनाव भी लड़ चुके हैं। इन्हीं सीटों में एक सीट खटीमा की भी है, जहां से मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं। 2017 के चुनाव में पार्टी से खिसक चुके दलित वोट बैंक को साधने में जुटी कांग्रेस के लिए यशपाल आर्य की घर वापसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है। ऐसे में यशपाल का जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और इस बात से बीजेपी भी पूरी तरह वाकिफ है कि उसने क्या खो दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यशपाल आर्य एक मजबूत नेता थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि छल की राजनीति में और लालच की राजनीति में फंस गए। जैसे हरीश रावत जी ने स्टेटमेंट दिया कि हम यहाँ उत्तराखंड में एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकते हैं, तो उस वक्त ये खलबली मची थी और हमने भी कहा था कि भाई घोषित कीजिए, तो कहा कि कोई चेहरा नहीं है हमारे पास, बड़ा बड़ा चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। तो मैंने कहा था कि भाई अगर ज़रूरत हो तो हम भेज देते हैं, घोषित तो करो। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वो झूठ की राजनीति थी, उस झूठ की राजनीति के ट्रैप में यशपाल आर्य जी आ गए। और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि वो यशपाल आर्य जी को सीएम कैंडिडेट घोषित करे। कहाँ कोई गणित ब्रेक कर सकती है, कांग्रेस तो अपने आप उलझी हुई है। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में दम हो, लगातार बार बार कह रहा हूँ, छल की राजनीति छोड़ो, चेहरा घोषित करो, पता चल जाएगा कांग्रेस में कितना दम है। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने से सूबे की राजनीति में जबरदस्त बदलाव महसूस किए जा रहे हैं। यशपाल आर्य की कांग्रेस में घर वापसी ऐसे वक्त में हुई है जब चुनावी सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही थी और सीएम चेहरे के रूप में कांग्रेस के हरीश रावत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक पंडित इस बात के कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने 2022 में वापसी का सपना देख रही बीजेपी के समीकरण रातों रात हिला कर रख दिए हैं। जिस कुमाऊं को बचाने के लिए भाजपा ने चार मंत्री दिए, एक केंद्रीय मंत्री दिया और यहाँ तक कि आखिरी समय में मजबूरी में कुमाऊं से एक मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, उस भाजपा के गणित को क्या रातों रात कांग्रेस ने बदल दिया है? यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य का कांग्रेस में शामिल होना महज बाजपुर और नैनीताल सीट तक मायने नहीं रखता। यशपाल आर्य उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की 10 सीटों पर सीधा दखल रखते हैं और अब मुश्किलें बीजेपी के सामने हैं कि वो कैसे अपने कुनबे को बचाए और कैसे 2022 में इस वोट बैंक को जो अब खिसकने जा रहा है उसे संजो कर रख पाए। और इससे भी बड़ी मुसीबत खटीमा से विधायक मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए है, क्योंकि खटीमा यशपाल आर्य का पुराना गढ़ माना जाता है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।